दोस्तों ये जैसा आप देख रहे हैं आप ये हाईली वेनमस इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ऐसा है। आप इसका हुड़मार्क देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ऐसा इसका हुड़मार्क है। इसको 10 टांग का ऐसे बोलते हैं। ये हाईली वेनमस स्नेक है। इसका जो जेर होता है न्यूरोटॉक्सिक जेर होता है, काटने के बाद ये अपने नर्वस सिस्टम पर वगैरह असर करता है। और ये आके लोगों ने सांप को दीवार के बाजू से जाते हुए देखा और हमें रेस्क्यू के लिए कॉल किया था, तो अभी हम इसको रेस्क्यू कर रहे हैं। अगर घर के बाजू में ऐसा कोबरा जैसा सांप दिखाई देता है तो इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जहरीला सांप है और गलती से भी काट लेता है तो जान पे भारी पड़ सकता है। अभी हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए इसको एक डिब्बे में डाल लेते और हम जिस तरह से पकड़ते हैं ऐसा कभी भी पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांप जो होते हैं बहुत डेंजरस ऐसे होते हैं। अगर समझ में ना आया तो बहुत ही डेंजरस होता है, हो सकता है आपके लिए। और यहाँ के लोग ये भी काफ़ी हैप्पी हुए कि हमने इनके घर का एक कोबरा स्नेक पकड़ लिया। दोस्तों इस पकड़े हुए कोबरा स्नेक को छोड़ने के लिए अभी हम फॉरेस्ट में आ गए। बहुत ही प्यारा ऐसा कोबरा स्नेक है, अभी अभी हमने पकड़ा था और अभी हम इसको छोड़ने के लिए आ गए। आप देखते होंगे तुरंत ये भाग जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये जो खुशी है सांपों का ऐसा नेचर में वगैरह रिलीज करना, वो दूसरे किसी भी नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे सांप को नेचर में जाते हुए देखते हैं। तो ये पूरा फॉरेस्ट का इलाका है, यहाँ पे लगभग 10-15 किलोमीटर लोग बसते वगैरह कुछ नहीं है। और फॉरेस्ट के इलाके में हम इस सांप को कोबरा स्नेक को छोड़ रहे हैं। अब ये अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सर्वाइव करेगा। यहाँ पे चिपकली लिजार्ड्स वगैरह इसको खाने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे झाड़ी में वगैरह चला गया। और ऐसे हमारे आने वाले सांपों के नए नए अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।